हमनी के भोजपुरी में एगो कहावत बा कि जहाँ जैसन तहाँ तैसन ना करे तब मरद कैसन। दुनिया में हर इंसान को एक रोल मिलता है और हम जिस लाइन में हैं उस लाइन में हमें हर रोल से गुजरना पड़ता है, गरीबी से लेकर अमीरी से लेकर। एक स्टूडेंट का भी लाइफ हम जीते हैं, एक गार्जियन का भी लाइफ जीते हैं। जब ज़रूरत पड़ती है तो इस गेटअप में भी हम अपने आप को पब्लिक के पास में परोसते हैं और शायद पब्लिक मुझे इस गेटअप में बहुत प्यार करती है। और ख़ास करके औरतें लोग जो हमारी दादी हैं, चाची हैं, फूआ हैं, बहन हैं, हमारी भौजाई हैं, बीबी एक एक है, तो हमारी बीबी भी इस गेटअप में पसंद मुझे करती है क्योंकि इसी गेटअप से उसको रोटी मिला है। मैं पहली बार इस फिल्म लाइन में आने से पहले जब मैं ऑडियो किया था तो मैं सबसे पहले फौजी था, लेकिन फौजी का नौकरी छोड़ने के बाद जब आया तो मैंने कैसेट गाया था माल भिटाई मेला में, उसमें मैं एक लेडीज़ का गाना किया था और वो बहुत बड़ा हिट था। हम और हमारी वाइफ शायद ये सपना नहीं देख पाए थे, लेकिन आज हमारी वाइफ भी हमारे हर उस काम से खुश रहती है और मैं कोशिश करता हूँ कि उसकी खुशी में मेरी खुशी है और उसके लिए जीता हूँ और अपने ऑडियंस की हर वो चीज़ें, हर वो मनोकामना पूरा करने की कोशिश करता हूँ। और आज यहाँ तक पहुँचा है आदमी तो अपने ऑडियंस के बदौलत और अब ऑडियंस के आशीर्वाद से। और हमारे बिहार यूपी के जितने भी लोग हैं, भोजपुरी बोलने वाले लोग हैं, सब लोग खेसारी को बहुत प्यार करते हैं और मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। खेसारी भाई, ऐसी खूबसूरत साड़ी पहन के घूमोगे तो कोई भी प्यार करेगा? देखिए, हम प्यार करने की बात है ऐसे तो लोग जानते हैं और इसी के लिए तो पहना हूँ कि लोग मुझे प्यार करें, जो मुझे नहीं करते हैं वो भी मुझे करें, चाहे वो जिस गेटअप में हो। मैं अपने अपने दिल में और अपने दिमाग में और अपने मार्केट में अपने दुश्मन पालना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि इस धरती के जितने भी इंसान हैं सिर्फ खेसारी से प्यार करें। एक्चुअली ये गाना डोमकच का था और डोमकच में मुझे एंट्री करना है अपने हीरोइन से मिलने के लिए। मैं 20 दिन से मिला नहीं हूँ अपने हीरोइन से और मुझे उसके घर में घुसना है। तो अब ओरिजिनल गेटअप में जाएंगे तो हुकाइए ना जाएंगे जी, तो अब डुप्लीकेट गेटअप धरना पड़ा और उसके बाद हम आए हैं अपने हीरोइन से मिलने के लिए, इसलिए गेटअप लेना पड़ा मुझे। और अपने प्रेमी से मिलने के लिए अगर दुनिया का हर गेटअप आदमी चाहे तो ले सकता है, जहाँ प्यार होता है वहीं संसार होता है। और इसी के वजह से मैं एक यंग होने के बावजूद भी मैं इस लेडीज़ गेटअप में आया अपने प्रेमिका से मिलने के लिए। और ये गाना इतना बड़ा हिट है कि शायद मुझे भी अंदाज़ा नहीं था। भोजपुरी का ये पहला ऐसा सॉन्ग होगा कि 2 दिन में 2,65,000 लोगों ने इसको सुना है, और मात्र 2 दिन इसको रिलीज हुए हुए, उसके बाद 2,65,000 लोगों ने इसको सुना है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये गाना मेरे फिल्म में। चलिए, जाता रह परदेश बलम है हम के घर में छोड़ के, तनी जाओ से पहले खाला उठ लाडी से रोटी भर के, जाता रह समझा के जई है अरे देवरा चोली चोर के, तनी जाए से पहले खाला उठ लाली से रोटी। और सबसे ज़्यादा प्यार जितने भी हीरो हैं, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा मीडिया के लोग मुझे बहुत चाहते हैं और मुझे बहुत प्यार करते हैं। और मैं दिल से थैंक यू इस मीडिया ग्रुप को देता हूँ, जितने भी हमारे चैनल इस चैनल को देखने वाले लोग हैं सबको दिल से थैंक यू और ढेर सारा शुभकामना। और मैं चाहूँगा कि मेरे ये आने वाली फिल्म जो 9 सितंबर को रिलीज़ हो रही है, होगी प्यार की जीत, इसमें सिर्फ एक खेसारी का प्यार नहीं है, आप सबका प्यार है, हमारी पूरी ऑडियंस का प्यार है कि एक गरीब आदमी, एक मैकेनिक आदमी अपने प्यार को कैसे जीतता है, जो डाउन टू अर्थ होता है, जिसके पास पैसा तो नहीं रहता है लेकिन दिल बहुत बड़ा होता है, और उसी दिल को लेकर एक अमीर घर के लड़की से प्यार कर लेता है। हश्र बुरा तो होता है लेकिन अंजाम यही होता है जो प्यार की जीत होती है। और सब आपके बदौलत, और आप भी खेसारी बन के ही इस फिल्म को देखिएगा, आपके अंदर वो खेसारी है जो अपने प्यार को जीतने के लिए दुनिया के हर उस पत्थर से टकरा सकता है, और मैं टकराया हूँ और शायद आप भी कहीं ना कहीं टकराएंगे, और नहीं टकराएंगे तो धरती पे रहना है तो कहीं ना कहीं प्यार तो होगा ही होगा। खेसारी भाई, आप मैकेनिक हो, बाइक ऐसी उठा के ले जाते हो, चला के भी ले जा सकते थे, तेल मार के ले जा सकते थे अगर खराब थी? तेल खत्म था, धूरा बैरिंग जो था ना उसका डुगुरिए नहीं रहा था, नहीं डुगुर रहा था, तो हम बोले कि भाई अब भगवान ने इतने बिहार रूपी के लोगों का, इतने भोजपुरी बोलने वाले लोगों का खेसारी के अंदर जब प्यार है, इतने सारे प्यार करने वाले हैं, तो भाई का हम तो टणक उठा लें, ये तो छोटी है चुकी है, बड़का चाका हम टणक मूरी पर लाद के लेके चल जाए हम गैरज में, लेकिन उठा लिया है, तेल उल कम था इसमें, चाका वका सब जाम हो गया था। उठा के नाम है होगी प्यार की जीत। जी, तो आज के में काफ़ी लड़के प्यार करते हैं जिनको प्यार नहीं मिल पाता है, कुछ संदेश देना चाहेंगे उन लोगों को?
देखिए, इस दुनिया में एक माँ बाप से भी प्यार होता है, एक गर्लफ्रेंड से भी प्यार होता है, एक बहन से भी प्यार होता है, एक घर के गार्जियन अपने बच्चों से प्यार करता है। तो प्यार के कई परिभाषा हैं, शायद हमें हम तो बहुत कम ही जानते हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि अपने प्यार के लिए किसी की जान लेना नहीं और ना ही जान देना। जान दे दोगे तो किसके लिए जियोगे? जिस प्यार के लिए आपने अपने आप को कुर्बान किया है, जब उसी के लिए आप जान दे दोगे तो शायद उस प्यार का कोई मतलब नहीं रहता। इसलिए मैं अपने भाइयों से यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग प्यार कीजिए, लेकिन उसको तरीके से अपनाइए, और उस प्यार में हर आदमी का खुशी होना चाहिए। मैंने खुशी से अपनाया इस चीज़ को, और मैंने सबको झुकाया है अपने प्यार से, तकरार से नहीं। हाँ, जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ लड़ना भी चाहिए इंसान को, क्योंकि ज़्यादा झुकने से दिक्कत हो जाती है हर इंसान के जीवन में। तो जहाँ झुकना होता है वहाँ झुक जाना चाहिए, और जहाँ लगे कि नहीं हाँ मुझे लड़ना है तो बिल्कुल लड़के उस हर चीज़ को हासिल करिए। और आपके साथ आपके माँ बाप का प्यार है, और हमारे साथ हमारे ऑडियंस। इस फिल्म के डायरेक्टर डेब्यू कर रहे हैं और हमारे इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर के पुत्र भी हैं, तो कैसा रहा उनके साथ काम करके? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ कि हम तो बंटी भाई के बहुत जब से इंडस्ट्री में आए हैं तब से हम जानते हैं, और एक जितने भी लोग काम किए हैं और जितने लोगों के साथ मैंने काम किया है, इनके साथ एक अनुभव मेरा बहुत अच्छा रहा, क्योंकि यंग है और इनकी सोच जो भी है हमारे आज के नौजवानों के लिए है। और इन्होंने जो फिल्म बनाई है, मुझे थोड़ा सा भी तकलीफ़ नहीं हुआ, क्योंकि देखिए, एक डायरेक्टर घर का गार्जियन की तरह होता है, और अगर वो चतुर है, चालाक है, तो उसके घर के बच्चे बिगड़ते नहीं हैं, वो अच्छे रास्ते पे चलते हैं। और वही काम किया है बंटी जी ने, और हम लोग को अच्छा रास्ता दिखाया है और एक अच्छी फिल्म बनाई है। मेरी दिल से यही दुआ है कि आने वाली जितनी भी पीढ़ियाँ हैं शायद इस इंसान की ज़रूर गुण गाएगी कि हाँ, ये बंटी जी ने एक अच्छी फिल्म बनाई है। और मैं ही सलूट करता हूँ इनके कामों का कि इन्होंने एक अच्छी फिल्म बनाई जिसका हीरो मैं बना, जिसका हिस्सा मेरा। चार पाँच साल में आपने काफ़ी फिल्मों में अभिनय किया है, काफ़ी प्रोड्यूसर आपको मिले होंगे, इस फिल्म के प्रोड्यूसर राहुल कपूर के द्वारा कैसा? देखिए, वो प्रोड्यूसर नहीं है, सच पूछिए तो प्रोड्यूसर मेरे लिए है ही नहीं, वो मेरे बड़े भाई की तरह है और मेरे गार्जियन है। मैं अपने जीवन का कोई भी काम करता हूँ तो एक बार राहुल भैया से सलाह लेता हूँ, क्योंकि जहाँ प्रोड्यूसर और हीरो की बात होती है वहाँ आदमी लगता है कि मैंने एक फिल्म की है। मैं अपने होम प्रोडक्शन का एक कहानी किया हूँ जो राहुल भैया ने पिरोया है, और खर्चा इन्होंने शायद मेरी जितनी भी फिल्म आ रही है, आने वाली है, जो भी है, मैंने जो किया है इसमें खर्चा इन्होंने हाथ खोल के काम किया है। इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हाँ ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा। हमारे बंटी जी ने जो भी रिक्वायरमेंट दी उसको इन्होंने बखूबी पूरा किया और खड़े उतरे। तो मुझे खुशी है कि ऐसे अगर प्रोड्यूसर इस इंडस्ट्री में है तो शायद अच्छी फिल्में बनती रहेगी और अच्छे चीज़ों का निर्माण होगा। और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हमारे लिए बड़े भाई हैं और हमेशा उनसे ऊर्जा मिलती है। मैं जब भी मिलता हूँ तो एक बड़े भाई का प्यार मिलता है मुझे, एक छोटे भाई की तरह मुझे प्यार करते हैं और मानते बहुत हैं मुझे। आपने काफ़ी हीरो से काम किया, स्वीटी छावड़ा पहली बार आपने काम किया? स्वीटी छावड़ा के साथ अनुभव था ठीक रहा, बहुत बढ़िया रहा। तनी बात ऐसा है कि हम लोग का जो है ना, हम लड़ते बहुत थे। स्वीटी छावड़ा से इश्क तो नहीं हो गया आपको? हाँ, इश्क वगैरह तो नहीं हो गया? हम देखिए, प्यार अंधा होता है ना, कहीं मार देगा पलंटी। समस्या यहाँ है कि देखिए, हम इंसाने ना है, हम तो गाय गुरु हैं नहीं, भैंस का हम है नहीं, जहाँ हम जिधर हाँकेंगे उधर जाएंगे, हमारा अपना मन कहेगा तहाँ चले जाएंगे। लेकिन स्वीटी जी मेरी सीनियर एक्ट्रेस हैं और उन्होंने काफ़ी अनुभव लिया है और उनसे मुझे कुछ सीखने को मिला। शूट के समय मैं अपने सीनियर के साथ जब भी काम करता हूँ तो मुझे कुछ सीखने को मिलता है। और स्वीटी जी एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, कमाल काम किया है उन्होंने इस फिल्म के लिए, और मैं सलूट करता हूं कि ऐसे लोग अगर एक्टर इस धरती पे हैं और हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में है तो शायद भोजपुरी इंडस्ट्री का भला होगा और हर आदमी ऊर्जावान होगा और हर आदमी की काम है। थैंक यू, आई लव यू।